मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। रमजान के आखिरी दिनों में शहर की ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए टीम समेत मैदान में उतरी मर्जिया पठान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रमजान के आखिरी अशरे की शुरुआत हो चुकी है, आखिरी अब ये 10 रोजे जो है वो गुजरने वाले, उसके बाद ईद है। अब खरीदारी की भीड़ बढ़ेगी और गुलाब पार्क, उससे आगे का सटा हुआ पूरा मार्केट परिसर, समूचा लगभग आधा मुमरा कौसा मार्केट में तब्दील हो चुका होता है। बाहर से भी काफी सारे लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, ऐसे में अक्सर ट्रैफिक समस्या होती है। गत वर्ष भी इंतजाम किए गए थे स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इनके सहयोग से। इस वर्ष भी राष्ट्रवादी की युवा नेत्री मर्जिया पठान, नाजिम बुबेरे, साकिब दाते, ऐसी इनकी ये पूरी टीम जो है वो पूर्व विपक्ष नेता अशरफ पठान के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ट्रैफिक समस्या को रमजान में कैसे सुलझाया जाए और कैसे इसका नियोजन किया जाए, इसकी शुरुआत की है। इस पर बातचीत हुई है मर्जिया पठान से, क्या कहा मर्जिया पठान ने, देखिए। मर्जिया मैडम, हर साल की तरह इस साल भी आप ट्रैफिक का जो वॉलंटियर लगाते हो और आप खुद यहाँ पे रोड पे उतर के ट्रैफिक क्लियर करवाते हो, तो कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक पता है कि 15वें रोज़े तक आप आ जाते हो, तो इस बार 21वां रोज़ा चल रहा है, तो इस बार लेट कैसे हुआ, मतलब ऐसे जानकारी दी? आपको आप भूल गए शायद, पिछली बार भी हम लोग 20वें रोज़े को ही आए थे। अच्छा। हम लोग लास्ट के ही 10 दिनों में करते हैं चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लास्ट के 10 डेज में ही ट्रैफिक होता है। पिछली बार भी हम लोग 20वें रोज़े को आए थे, हाँ इस बार 21वें रोज़े का, पर पिछली बार भी हम लोग 20वें रोज़े से ही हमने शुरू किया था, तो क्योंकि लास्ट का जो आश्रय रहता है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, मुमरा का जो ट्रैफिक विभाग है, आपको भी पता है हमें भी पता है कैसा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता है, ना कोई वार्डन दिखता है। अभी रमजान का महीना है तो वार्डन और कांस्टेबल दोनों मौजूद रहना चाहिए हर ट्रैफिक, जहाँ जहाँ ट्रैफिक हो रहा है, जाम हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे ट्रैफिक विभाग को? देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले आपने एक लेटर भी दिया था, पत्र व्यवहार भी किया था, जो है कि सीनियर PI, हम खुद आए थे वहाँ पर। कुछ दिन पहले हम DCP सर को भी लेटर दे के आए थे और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर सर को भी लेटर दिया, RTO के सीनियर सर को भी हमने लेटर दिया, हमारी उनसे बात भी हुई कि हमको कैसे मैनेज करना है, और उन्होंने कुछ हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कुछ हद तक कोऑपरेट किया, लेकिन ट्रैफिक विभाग कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है जी। हाँ, एक्चुअली देखिए, प्रशासन के पास मैन पावर बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अभी तो बहुत सारे मैन पावर आ गए, हमने खुद देखे ट्रैफिक विभाग में नए नए कॉन्स्टेबल, नए नए सब वार्डन वगैरह भी आए जी। अभी देखिए, हम जो ऑफिशियली जो एक रूल होता है, जिस तरीके से हमने उस तरीके से उनको लेटर भी दिया, उनसे बात की, अभी हमको ये जवाब है कि उनके पास प्रशासन नहीं है, तो हम उनके लिए वेट तो नहीं कर सकते कि कब कोई आएगा और हमारे शहर की जिम्मेदारी लेगा। हम इस शहर में पैदा हुए, इस शहर में बड़े हुए, तो सबसे पहले हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना, बाकी लोग तो ठीक है बाद में आएंगे जाएंगे, जो भी है आते जाते रहते हैं, प्रशासन और लोग जो भी है, कम कभी होगा मैन पावर, कभी बढ़ जाएगा, बट हम मुमरा के कॉन्स्टेंट लोग हैं, मुमरा हमारा शहर है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है मुमरा के लिए। इतने सारे यूथ हैं, मैं चाहती हूँ कि यूथ उतर के अपना काम करें, हमारे मुमरा कोसा के लिए काम करें। हम मदली रोड में भी देखते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे यूथ जो है उतर के काम करें, मुमरा के यूथ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हमने खुद हर साल पिछले 3 सालों से हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि हमारे मुमरा कोसा को कैसे हम सहूलत दें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद हमारे अभी कमेटी मेंबर्स बन चुके हैं, पिछले साल से हमारे 50 कमेटी मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ इस साल भी जुड़े हुए हैं और इस साल भी हम काम करें। अब मर्जिया मैडम, जैसे अवैध पार्किंग लगाते हैं और रिक्शे वाले भी बीच में रिक्शा खड़ा कर देते, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? हम उनसे आप अगर देखेंगे तो हमारे कम से कम 50 चक्कर होते हैं वहाँ से वहाँ तक हम खुद साथ में दे, यस 50 चक्कर होते हैं। आप रोज आइए, रोज देखिए, हमारे 50 से ज्यादा ही चक्कर होंगे, और हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स है बहुत एफर्ट्स लेते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ
कि देखिए रॉन्ग आने वाले को भी बोल सकते हैं, उनको भी हम बोलते ही है, बट काफी हद तक देखिए हम ये कहते हैं कि एक तरफा चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। मेरा यही मानना है कि एक तरफा हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, एक तरफा हम चेंज नहीं ला सकते। हमको खुद को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमको खुद को भी हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अफकोर्स बुमराह हमारा शहर है तो हमारे ऊपर भी उतनी उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट ये है देखिए महाराष्ट्र में जैसे आप जानते हैं कि पहले मोहम्मद अली रोड था, अभी मुमरा इज नोन वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे बहुत अमेजिंग मार्केट है कपड़ों का, बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें हैं, खाओ गलिया है, तो काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मीरा रोड से आते हैं, भिवंडी से आते हैं, राबड़ी से आते हैं, काफ़ी जगह से आते हैं, काफ़ी सारी जगह से आते हैं, और बहुत तादाद में महिलाएं आती हैं, 30,000 से 50,000 के बीच में हर रोज़ महिलाएं आती हैं यहाँ पर। तो मैं एक महिला होने के नाते अपने साथ काफ़ी महिलाओं को कमेटी मेंबर में और भी काफ़ी महिलाओं को जोड़कर हमने ये कोशिश की कि हम खुद उतरें ताकि महिलाएं जो इतनी सारी आती हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो अवैध पार्किंगें लगाते हैं और रिक्शे वाले जो बीच रोड पर खड़े रह के अपने पैसेंजर उतारते और पैसेंजर बिठाते और रॉन्ग वाले को, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर कि देखिए मेरे पास तो कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है जो मैं उनको फाइन मारूँ, है ना, ना मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ ना मैं पुलिस हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो अपने उनको समझा ही सकती हूँ प्यार से, उनको थोड़ा सा डांट के समझा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप पे एक्शन लिया जाएगा, इतना ही कर सकती हूँ। हमारे पूरे फैले हुए कमेटी मेंबर, हमने पिछले साल भी बखूबी इसको मैनेज किया था, तो हमको इसका एक्सपीरियंस है, हमसे लोग मानेंगे भी इंशाल्लाह और उनको प्यार से समझानेंगे तो मोहब्बत और प्यार से सारे काम हो सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। स्टाफ कम है, आपने भी बताया और प्रशासन का भी ये कहना है कि हमारे पास में स्टाफ कम है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास में लगभग 6 से 7 वार्डन और 3 से 4 पुलिस अधिकारी, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है, वो लोग एक ही जगह खड़े रह गए, फाइन मारते हैं और गाड़ियों को रोकते धक्के, वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, हर रोज चलता है, 12 बजे के बाद रोज चलता है वो चेक। मैंने खबर भी चलाई थी, हमने कितनी न्यूजों में खबर भी चलाई। आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहोगे कि दो दो वार्डन ऐसा मतलब डिवाइड ना हो जाए? पिछले साल अगर आप लोगों ने उसे दिया था तो पिछले साल काफ़ी हद तक के जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ थे और काफ़ी हद तक के उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। हाँ, जब सीनियर दूसरे थे दिलीप पाटिल जब वो जी, अब वो ट्रैफिक पुलिस से पिछले साल तक काफ़ी काम किया था, तो इस साल भी हमने उनको लेटर दिया है, ज़रूरत पड़े तो हम उनसे वापस से बात करेंगे और उनसे ट्रैफिक पुलिस की मांग करेंगे, बिकॉज ये चीज़ सही है, जब तक आप फाइन नहीं मारोगे, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, लोग नहीं सुनते। हम उनके प्यार से बोलेंगे, काफ़ी लोग ऐसे होते जो नहीं सुनते, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए।